Hello everyone, today I teach you maths subject of class 2nd, lesson number 7, length. Length means होता है लंबाई. लंबाई के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, measurement करते हैं किस प्रकार से, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे. तो चलो सबसे पहले देखते हैं हम किसी चीज को किस प्रकार से measurement करते हैं. Collect some object inside the classroom. जैसे हम क्लासरूम में पढ़ाई करते हैं ना, हमारा क्लासरूम है जैसे क्लास 2nd है हमारे स्कूल का, उस क्लासरूम में बहुत सारे वस्तुएं होती है, उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं. हमारे जो आसपास है उसको, लाइक न्यूज़पेपर, डस्टर, कॉपी बुक, पेंसिल एक्सेट्रा, अरेंज देम इन ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, है ना. इसको अरेंज करना है छोटे से बड़े के रूप में, है ना. जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, ये एक बॉक्स है और यहाँ पे ये पेज है A4 साइज का, हमारा बुक है, ये सबको अरेंज कर लेते हैं. तो सबसे छोटा कौन सा है, उसके बाद बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करते जाते हैं, है ना. तो हम उसका लंबाई चौड़ाई देख कर ही छोटा बड़ा बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम को देख सकते हो आप, ये डोर है जो सबसे लंबा दिख रहा है, ये आपका एंटीगेटर है ना, वेंटिलेटर है ये, और ये ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, टेबल है, चेयर, खिड़की. तो इसमें लंबाई चौड़ाई सबका अलग अलग है. तो हम अगर हमारे पास कोई मेजर करने का एक निश्चित माप नहीं है तो हम अपने हैंड से या मतलब बीता से, है ना, या कदम से कर सकते हैं. लुक एट द ऑब्जेक्ट इन द क्लास रूम एंड आंसर वेदर द डोर इज लॉन्गर और द विंडो. यहाँ पे जो पिक्चर दिया है ना, कक्षा में जो भी वस्तुएं हैं उसको देखकर हमें बताना है दरवाजा लंबा है या खिड़की. द डोर इज लॉन्गर और द विंडो. डोर मिस होता है दरवाजा और विंडो मिस होता है खिड़की. दोनों में से कौन सा लॉन्गर मिस होता है, लंबा, कौन लंबा है पूछा जा रहा है. तो ये आपका डोर है और ये आपका विंडो है, तो लंबा कौन सा है देख लीजिए, आप ही बताइए. ये जो है डोर लंबा है, तो यहाँ पे डोर लिखना है. डोर मिस दरवाजा. ब्लैक बोर्ड इज बॉर्डर ब्रॉडर और द डोर. तो दोनों में चौड़ा कौन सा है पूछ रहा है. ब्रॉडर मिस होता है चौड़ा, ब्लैक बोर्ड और डोर में, तो ब्लैक बोर्ड जो है चौड़ा है, है ना. नेक्स्ट, यू आर टॉलर और द डोर. आप लंबे हो, ऊंचे हो या दरवाजा ऊंचा है. तो यहाँ पे आएगा दरवाजा ऊंचा है. वेंटिलेटर इज लॉन्गर और द विंडो. वेंटिलेटर जो है रोशनदान होते हैं ना, लंबा है या खिड़की. तो देखिए यहाँ पे लंबा क्या है, खिड़की है, वेंटिलेटर छोटा है. नेक्स्ट, आल्सो कंपेयर हाउस होल्ड थिंग्स. जैसे हमारे घर में जो भी वस्तुएं हैं उसका भी तुलना कर सकते हैं. जैसे कूलर है, टीवी, फ्रिज, सब में लंबा कौन है. राइट देयर नेम्स इन ऑर्डर फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट. लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ा, सबसे लंबा कौन है उसको पहले लिखना है ना. फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, सम थिंग्स विच यू कैन टेक, टेबल, कॉट. कोट मिस होता है हमारा जो खाट है वो, है ना. ब्रूम झाड़ू होता है. कपबोर्ड, कपबोर्ड अलमारी है ना. पिलो मतलब तकिया होता है, एक्सेट्रा. इस प्रकार से ले सकते हो आप. विच फिंगर इज लॉन्गर, तो हमारा कौन सा फिंगर लंबा है उसको बताना है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस प्रकार से एक पिक्चर ड्रा कर लेना है अपने बुक में, अपने जो नोटबुक है उसमें इस प्रकार से अपने हैंड का पिक्चर ड्रा कर लेना है.
इस प्रकार से आप अपने हैंड को फैलाकर ड्रॉ कर सकते हैं। स्प्रेड योर हैंड ऑन अ पेपर, मूव योर पेंसिल अराउंड ईच फिंगर वन बाई वन एंड ड्रा द शेप ऑफ योर हैंड ऑन द पेपर। देखो पेपर में आपको अपने हैंड का पिक्चर ड्रा करना है इस प्रकार से, जैसे हमने किया है। विच इज द लॉन्गेस्ट फिंगर, है ना, कौन सा लंबा फिंगर है पूछा जा रहा था। देख लीजिए यहाँ पे लॉन्गेस्ट फिंगर कौन सा है, ये वाला मिडिल फिंगर सबसे लंबा है। नेक्स्ट है विच फिंगर इज द शॉर्टेस्ट, तो कौन सा फिंगर सबसे छोटा है। फिंगर ये तो अंगूठा है आपका, थंब है, और फिंगर में ये आ जाएगा तो ये लिटिल फिंगर सबसे छोटा है। लास्ट का नंबर द फिंगर्स फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले लंबा लिखना है तो ये वाला आ जाएगा। उसके बाद ये आपका सेकेंड होगा, है ना, ये और ये थर्ड, मध्यमा, तर्जनी, अनामिका, कनिष्ठ हिंदी में, है ना, ये अंगूठा है, और ये फोर हो जाएगा, और ये थंब जो फाइव नंबर सबसे छोटा फिंगर हो जाएगा। इज देयर एनी फिंगर शॉर्टर देन द थंब, क्या थंब से कोई और छोटा फिंगर है पूछा जा रहे हैं। तो देखिए थंब से और कोई छोटा फिंगर नहीं है। सेकेंड है गो आउटसाइड एंड ब्रिंग 10 to 12 ट्विग्स, मतलब आपको घर के बाहर जाना है और 10 से 12 क्या लाना है, ट्विग्स मतलब लकड़ी के टुकड़ा लाना है, स्टिक लाना है छोटा छोटा। अरेंज दिस ट्विग्स इन ऑर्डर फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, इसको लंबा से छोटा आपको जमाना है, लंबा से छोटा क्रम में जमाना है। देखो इस प्रकार से आपको स्टिक लाना है और सबसे लंबा स्टिक है, लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट जमाना है आपको, है ना। तो देखो यहाँ पे सबसे जो लंबा स्टिक है वो कौन सा है, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है सबसे लॉन्ग स्टिक है ये, उसके बाद आपका ये हो जाएगा, है ना, उसके बाद ये, फिर आपका ये फिर ये, इस प्रकार से आपका जो स्टिक है अरेंज हो गया। आप इसी प्रकार से आप लीफ को भी कर सकते हो, कौन सा लंबा है कौन सा, तो कैसे जाने हम उसका लंबाई ही देखकर जाने ना, लेकिन मेजर करने के लिए हमारे पास कोई निश्चित तरीका नहीं है अभी फिलहाल। आगे हम पढ़ते जाएंगे फिर हमको मिलेगा किस चीज़ से एक निश्चित, जैसे हम इसको एक ही मेजर से, जैसे हमारा जो हैंड है हैंड से माप रहे हैं ना बाई हैंड, तो क्या होगा वहाँ पे अलग होगा, और बाई स्टेप करें अपने कदम से करें तो वो अलग मेजरमेंट आएगा। नेक्स्ट है विच लीफ इज लॉन्गर, आप लीफ का भी एग्जांपल ले सकते हैं। गो आउटसाइड एंड ब्रिंग लीफ्स फ्रॉम डिफरेंट ट्रीज एंड प्लांट्स, विच लीफ इज द लॉन्गेस्ट, कौन सा लीफ जो है लंबा है। तो आप आउटसाइड मतलब अपने गार्डन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे देखो बहुत सारे लीफ है हमारे पास, तो हम कैसे पता करेंगे कि सबसे लंबा लीफ कौन सा है, तो देखकर पता करेंगे, है ना। हमारे पास जैसे आप मेजर भी कर सकते हैं आपके फिंगर के थ्रू, ऐसे बाई हैंड मेजर कर सकते हैं या किसी पेंसिल स्केल से मेजर कर सकते हैं। हाउ डिड यू फाइंड आउट, आप इसको लंबा छोटा कैसे पता करेंगे, इसको देख कर बताएंगे हम, है ना। न्यू प्लेस ऑल द लीव्स टूगेदर एंड ऑब्जर्व विच लीव इज शॉर्टेस्ट, कौन सा लीव क्या है छोटा है सबसे छोटा, तो हम जो यहाँ पे पत्तियाँ लाए हैं उसके अकॉर्डिंग बताते हैं आपको।
ये देखिए इस प्रकार से सबसे छोटा लीफ कौन सा है, ये वाला जो रोज का लीफ है, ये आपका गुआवा है, कसी है, ये चिली का है, और ये जो है डेहेंगला बोलते हैं ना, जो आपका जो यहाँ पे रहता है ट्री जैसे, और ये फ्लावर का है, और ये भी फ्लावर का है ना, ये रोज फ्लावर का है। देखो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। अरेंज द लीव्स एंड शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टेस्ट टू लॉन्गेस्ट बोला जा रहा है, ये शॉर्ट से लॉन्गेस्ट है। फाइंड आउट, अब आपको फिर से पता करना है विच इज द टॉलेस्ट ट्री इन योर सराउंडिंग्स, आपके आसपास कौन सा जो ट्री है वो सबसे लंबा है उसको आपको बताना है। तो कौन सा ट्री सबसे लंबा है, ऑरेंज की मैंगो आपके आसपास ना, आपके आसपास जो भी हो, जैसे गुआवा हो सकता है, बनाना हो सकता है, नीम हो सकता है, मैंगो भी हो सकता है, अशोक भी हो सकता है। तो हमारे आसपास क्या है, मैंगो ट्री है। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग, है ना, किसका बिल्डिंग आपके आस पड़ोस में, देखिए किसका बिल्डिंग सबसे ऊंचा है, लंबा है, तो बबलू का जो हाउस है हमारे घर के पास उसका है। हु इज टॉलेस्ट इन द क्लास, तो हमारे आपके क्लास में कौन सबसे लंबा है, वो तो राहुल आ जाएगा। विच लाइन इज लॉन्गर, अब आपको क्या करना है, लाइन खींच लेना है, और कौन सा लाइन लंबा है उसको किससे मेजरमेंट करना है, किसी थ्रेड से। लुक एट द लाइंस बिलो, कैन यू टेल विच इज द लॉन्गेस्ट वन, हाउ विल यू फाइंड आउट, है ना, यहाँ पे लाइन है और उसको आपको मेजर करना है, तो किस प्रकार से मेजर करेंगे उसको बताना है। जैसे यहाँ पे ये जो बच्ची है वो किससे मेजर कर रही है, धागा से। प्लेस ऑन ईच लाइन अ थ्रेड इक्वल टू हिज लेंथ, यहाँ पे जो भी लाइन दिया है उसको क्या करना है, थ्रेड लगा देना है उसके सामने, उसकी लंबाई के अकॉर्डिंग। विच लाइन नीड्स द लॉन्गेस्ट थ्रेड, कौन सा जो लाइन है सबसे लंबा थ्रेड लगा, जैसे उसको मेजर कर रहे हैं तो कौन से जो लाइन है उसके लिए सबसे ज्यादा धागा लगा। टेक ट्विक्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ ईच लाइन, ट्विक मिस होता है स्टिक, है ना, इक्वल टू द लेंथ ऑफ ईच लाइन, जो भी लाइन है उसके लिए क्या लेना है, आपको एक लकड़ी लेना है हर लाइन के लिए, या फिर धागा लेना है ना। टू इंश्योर दैट द ट्विक लेंथ इज करेक्ट, टेक द ट्विक्स लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द थ्रेड ईच टाइम, है ना, आपको धागा लेना है उसी के अकॉर्डिंग, और उसी के अकॉर्डिंग आपको लकड़ी भी लेना है लाइन के अकॉर्डिंग। इस अरेंज द ट्विक्स फ्रॉम लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट, आपको अरेंज करना है, और इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, जो शॉर्ट है और लंबा है उसको पहले करना है, उसको नाम लिख देना है 1 2 करके, है ना, इस प्रकार से, फिर लंबा उससे छोटा आपको समझ में आते जाएगा ये स्टिक को करके। इस प्रकार से आप अपने क्लास में भी कर सकते हैं। सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट क्लास, सर्च करना है सबसे लंबा क्लास कौन सा है, तो चलो पता करते हैं, लेट अस फाइंड आउट विच इज द लॉन्गेस्ट क्लास ऑफ द स्कूल, स्कूल की सबसे लंबी कक्षा कौन सी है, स्कूल की जो सबसे लंबी कक्षा कौन सा है वो आपको दिख रहा है, पता करना है। वी विल मेजर ऑल, सभी कमरे में क्या है कक्षा लगती है जिनमें हमें जाना है, वहां चलकर नापेंगे। वी शैल मेजर द क्लासरूम विद फुट स्टेप, मतलब कलम से नापेंगे। वी विल मेजर द बरामदा आल्सो, मतलब बरामदा को भी हमें मेजर करना है। वी विल डू दिस इन ग्रुप्स ऑफ 4, हम सब कितने ग्रुप में बढ़ते हैं, 4 ग्रुप में बढ़ते हैं। वॉक फ्रॉम वन वॉल टू एन अदर, मतलब वॉक करते हैं एक दीवार से दूसरे दीवार, कदम से कदम। एंड काउंट द नंबर ऑफ फुट स्टेप, और उसमें क्या करने, कदम को गिनते जाएंगे, जैसे लेंथ है और ये ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई है,
फर्स्ट रूम में जाते हैं तो वहाँ पे कितना होता है 12 स्टेप होता है लंबाई, और जो ब्रिथ है मतलब चौड़ाई वो कितना होता है 10 स्टेप। सेकेंड रूम में देखिए 15 स्टेप है और चौड़ाई आपका 12 स्टेप है। थर्ड रूम में देखिए 20 स्टेप एंड ब्रिथ कितना हुआ 16 स्टेप। विच रूम इज लॉन्गेस्ट, यहाँ से आपको क्या करना है मेजरमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा रूम लंबा है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा स्टेप है वो कौन, रूम नंबर 3 ये लंबा है। द लेंथ ऑफ विच रूम इज द शॉर्टेस्ट, कौन सा रूम सबसे छोटा है, तो क्या आ जाएगा 20 स्टेप लंबा है और रूम नंबर 1 12 स्टेप छोटा है। यू कैन मेजर द रूम एंड द बरामदास ऑफ योर हाउस विथ फुट स्टेप्स एंड ऑल्सो द स्कूल ग्राउंड, घर का जो कमरा है और बरामदा है उसको भी कदम से नापो और जो स्कूल का मैदान है उसको भी मेजर कीजिए। किससे, अपने कदम से मेजर करना है, फिर आपको लिखना है। और हर का कदम अलग अलग रहता है ना, जैसे कोई बड़ा है कोई छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग उसका कदम भी बड़ा छोटा रहेगा, इसका मेजर एक समान नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। मेजर द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ बैग विथ योर डस्टर, आप अपने बैग को डस्टर को मेजरमेंट मानकर क्या करना है, नापना है। पेंसिल और पेन है, आल्सो मेजर द लेंथ एंड ब्रिथ ऑफ योर बैग, है ना। मेजर द लेंथ ऑफ द रूम्स ऑफ योर हाउस एंड बरामदास विथ योर फुट स्टेप, अपने कदम से अपने घर के रूम और बरामदा को भी मेजर कीजिए। मेजर द स्कूल ग्राउंड्स आल्सो राइट द मेजरमेंट इन द टेबल बिलो, यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे हम टेबल है, टेबल को किससे मेजरमेंट किए, हैंड से, बाई हैंड मतलब बित्ता से जिए, ऐसे ये आपका हैंड है बाई हैंड से बित्ता से किए, तो वहाँ पे कितना हुआ 5 हैंड्स हुआ, और जो चौड़ाई है ब्रिथ कितना हुआ 2 हैंड्स। अब देखो हाउ मच लॉन्गर, कितना लंबा हुआ वो 3 हैंड्स लंबा हुआ। टेबल को बैग को किससे किए, उसको भी हैंड से किए, तो 3 हैंड लेंथ हुआ और ब्रिथ हुआ आपका 2 हैंड। हाउ मच लॉन्गर में आ जाएगा 1 हैंड लंबा है, लंबाई जो है 1 हैंड लंबा। विंडोज आपका 10 हैंड्स कितना हुआ लेंथ एंड ब्रिथ हुआ आपका 5 हैंड्स हुआ। अब देखिए 5 हैंड अब लंबा हो गया, उसका लंबाई जो है चौड़ाई से, चार्ट देखिए 3 स्टेप है, उसको कदम से मेजर किए हम लोग, है ना, 3 स्टेप पर उसका लंबाई है और चौड़ाई 2 स्टेप है, तो 1 स्टेप वो लंबा हुआ। कैलेंडर देखिए 5 बाई हैंड है, बित्ता से किए इसको 2 बाई हैंड इसका चौड़ाई है और ये कितना लंबा हुआ 3 हैंड लंबा हुआ। बुक है 3 बाई हैंड है और 2 बाई हैंड उसका चौड़ाई है, तो कितना हो जाएगा 1 हैंड इसका लंबा है, 1 मतलब बीता से नापे तो। मेजर द अदर ऑब्जेक्ट एज वेल एंड राइट देयर मेजर इन अ टेबल, टेबल में आपको इस प्रकार से मेजर करके लिखना है आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं। अब देखिए हम सब अपने हैंड से अपने स्टेप से मेजर कर रहे हैं तो सबका मेजरमेंट अलग अलग आ रहा है ना, तो इसीलिए क्या किया गया है, एक निश्चित नाप बनाया गया है जिसको टेप बोलते हैं और सेंटीमीटर और मीटर से उसको मेजर करते हैं, नापते हैं, है ना, ये लंबाई चौड़ाई को। आपका लंबाई चौड़ाई का चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा वेट के लिए, है ना, लेसन नंबर 8 के लिए होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।